साथियों नमस्कार, मैं साक्षी मेहता 91 न्यूज 9 से आपका स्वागत करती हूं। क्या चीन पर एक बार फिर भरोसा किया जा सकता है? पूर्वी लद्दाख में हुई भारत और चीन के बीच झड़प के बाद दोनों ही देशों की सीमाओं पर शांति छाई हुई है। इसी शांति के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चीन गलवान घाटी में लगातार निर्माण कार्य शुरू कर चुका है और यह निर्माण कार्य झड़प के बाद और भी तेजी पर आ गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। इन सैटेलाइट तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है कि चीन ने गलवान में नदी के मोड़ पर निर्माण किया है। ये नदी एलएसी से होकर गुजरती है और इसका ये तटबंध महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है और इससे चीन के जवान नीचे गलवान घाटी में स्थित भारतीय शिविरों पर आसानी से नजर रख सकते हैं। तटबंध के सामने नदी के किनारे पत्थर की एक दीवार बनाई गई है जिसे देखने से लगता है कि भारतीय जवानों ने इसे सुरक्षा के लिहाज से बनाया होगा। हालांकि 26 जून को प्राप्त हालिया तस्वीरों में पत्थर की इस दीवार के कुछ हिस्से गलवान नदी के बढ़ते जल स्तर में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। उक्त स्थल पर भारतीय जवानों की मौजूदगी नहीं दिखाई पड़ रही है। ये निर्माण गलवान नदी के तटबंध समेत भारतीय सेना के पेट्रोलिंग पॉइंट के करीब किया गया है। इस पॉइंट का नाम पेट्रोल पॉइंट 14 PP-14 है, जहां पर चीनी और भारतीय जवानों के बीच 15 जून को झड़प हुई थी। कहा जाता है कि गलवान नदी के मोड़ पर तटबंध भारतीय क्षेत्र में आता है। दूसरे शब्दों में कहें, यह स्पष्ट रूप से चीनी सेना की घुसपैठ को दर्शाता है। गूगल अर्थ प्रो पर एलएसी को दर्शाने वाली ये रेखा की माने तो 137 मीटर तक घुसपैठ के संकेत मिलते हैं। हालांकि चूंकि लद्दाख में एलएसी का आधिकारिक रूप से परिसीमित नहीं किया गया है कि इसलिए आक्रमण की बात एक बहस का मुद्दा है। यही मौजूदा विवाद का मूल कारण भी है। हालांकि जो स्पष्ट है वो ये कि भारतीय सेना दशकों से तटबंध इलाकों तक गश्त करती रही है। गलवान बेसिन में चीन की निर्माण गतिविधि से अब ये संभव नहीं लगता। हालांकि चीन और भारत के बीच पूर्वी लद्दाख में हुई सैन्य झड़प के बाद दोनों देश क्षेत्र में शांति बहाल करने और अपनी सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमत हुए हैं।